एंथ्रोलॉजी, राजनीति साइंस कहां तक पहुंच गई, घर घर में नेता पैदा हो गए। ये बाबा साहब की देन है। पहले कौन बोल पाता था, है ना? क्यों नहीं बोलता था? क्या था? शास्त्रों में है ना, स्त्री शूद्रो नाधीयाता, स्त्री शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए। श्रवणे त्रिपजतु, कान में पिघला हुआ जिभ्या छेदा, जीभ काट देनी चाहिए। और अंत में तो तब भी तसल्ली नहीं हुई ना, दस अंगुला यानी लोहे की दस अंगुल कील लंबी, गरम करके पूरा सिस्टम ही, तो पढ़ते कहाँ से? धन्य बाबा साहब, आज जवान निकल रही है ना, आज जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, अरे वो जमाने को देखिए, आप थे ही नहीं इस लायक। अभी क्या बताया था, तीन ही लोग हैं हिंदू, तुम तो जबरदस्ती बने पड़े हो। ये किसकी देन है जो जवान निकल रही है? बाबा साहब की देन। उसके बाद पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, जो आज जितने जगह जगह जो पुरातत्व विभाग बने हुए, किसकी देन है ये? संविधान, आप सभी जानते हो, एक ही पौंडे जानते हैं अधिकतर लोग, उसमें भी आधे क्या कहते हैं, नहीं अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाया, साथ साथ बताते हैं बीच में। कुछ लोग 240 बताते हैं, उन्हें पता नहीं शुरुआत में 240 चुने गए थे, उस 240 के अंदर सटनी जब हुई लास्ट में कितने थे, सात, सात में दो तो मर गए, दो बुढ़ापे का रोना रोने लगे, दो विदेश चले गए, कितने बचे? अकेले बचे, उनको ज्ञान ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए बचा कौन? अकेले बाबा साहब। दो काम अगर बाबा साहब नहीं करते तो शायद कुछ दिनों तक और चल जाते, एक भारत का संविधान, दूसरा बुद्ध और उनका दम। क्यों? इनको लिखने में बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत बड़ी शक्ति लगी है, 2 साल 11 माह 18